हादसे में मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एक फैक्ट्री में गुरुवार की सुबह अचानक स्टायरीन गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। एनडीआरएफ ने बताया कि गैस लीक की इस घटना में अब तक 11 लोगों की मौत जा चुकी है। यह हादसा विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटपुरम गांव में हुआ। गांव की एलजी पॉलीमर उद्योग में हुए इस हादसे में अभी 800 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। काफी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छूट दे दी गई। हालांकि अभी भी कई मरीजों की हालत नाजुक है। इस गैस कांड के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि और जो लोग वेंटिलेटर पर हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश डीजीपी दामोदर गौतम स्वांग ने बताया कि अब गैस को बेअसर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गैस कैसे लीक हुई इस घटना की जाँच की जाएगी।